आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी, हालांकि वो खीर है, यूनिक खीर है, शाही खीर भी कह सकते हैं उसको, कुंदा खीर भी कह सकते हैं माशाल्लाह, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी है और बहुत ईजी है, तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएंगी। और वैसे भी अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, चाहे वो मुस्लिम्स के हो नॉन मुस्लिम्स के हो, तो इसके लिए इस तरह से हम सोचते रहते हैं क्या बनाए क्या बनाए, तो ये एक डिश अगर हो सकता है आपके काम आ जाए आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये बर्तन में मुझे दूध गर्म करना है, दूध लगे नहीं इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, और अब इसमें मैं दूध डालूंगी ताकि दूध जो बर्तन में लगे नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने एक लीटर दूध गर्म करने के लिए रख दी हूँ, और इसे मैंने एकदम स्लो फ्लेम पे रखी हूँ ताकि मेरा जो दूसरा काम है वो मैं कर सकूँ, बीच बीच में चलाते भी जाना है इसको इस तरह से बस। देखिए ये चावल मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए भिगा के धोकर इसको भिगा कर रख दी थी, और अभी इसको मिक्सी जार में डाल रही हूँ उसका फाइन पेस्ट बनाने के लिए। देखिए चावल मैंने डाल दी हूँ, ये 1/2 कप से कम है, मतलब 2 टेबलस्पून जितना है, और ये एक रस्क है इसमें डाल देंगे इसको भी, इससे अच्छी दानेदार खीर बनेगी, एक मावा जैसा टेक्सचर आएगा इसका। बस थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे बस। देखिए चावल और रस्क जो मैंने डाली थी अभी, उसका मैंने एक फाइन पेस्ट बना ली हूँ दूध में डालकर, अब इसको भी हम ये दूध में डाल देंगे, एक हाथ से डालेंगे और एक हाथ से इसको चलाते जाएंगे ताकि इसके लम्स ना बने बस, इस तरह से इसको चलाते भी जाएंगे साथ ही साथ ताकि ये अच्छे से दूध के अंदर मिल जाए। देखिए दूध में कैसे माशाल्लाह से उबाल आ रहा है, और इसे अभी हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा रिड्यूस ना हो जाए, लेकिन इसको मैं अभी फ्लेम इसकी स्लो कर दूंगी, बस इसको 1-2 खौल ऐसे आने देंगे अच्छे बड़े वाले, फिर इसको स्लो कर देंगे, धीमी आंच पे ये ज़्यादा अच्छे से बनेंगी, और बीच बीच में चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि चावल जो है कहीं लग ना जाए बस। देखिए अभी इसमें थिकनेस ठीक से नहीं आई है ना, इसलिए हम थोड़ा इसको पकाएंगे इस तरह से, साइड साइड में जो मलाई आती है ना इसको भी हम ऐसा स्क्रैप करके इसको बीच में डाल देंगे दूध में, इससे भी एक अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और वैसे दूध तो मैंने फुल फैट क्रीमी ही ली हूँ। देखिए माशाल्लाह से मलाई भी आने लगी है इसमें, देख सकते हैं, बस इसको इस तरह से पकाते जाएंगे। देखिए कैसी मलाई आती जा रही है, इसको भी हम इसी में रिटर्न डालते जाएंगे। देखिए धीरे धीरे माशाल्लाह ये ठीक होती जा रही है, और दूध भी आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर था, ये यहाँ से थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। मैंने पैन यहाँ पर गरम करने के लिए रख दी हूँ, शुगर को भी हम कैरमलाइज कर देंगे, इसको अच्छे से फैला देंगे, थोड़ी देर तक हम इसको नहीं चलाएंगे, जैसे ही ये मेल्ट होना स्टार्ट होंगे इसके बाद हम इसको स्टर करेंगे। स्टार्ट हो रही है अभी, स्लो स्लो बस ऐसे चलाते जाएंगे। बस चूल्हे को एकदम स्लो ही रखना है, इसको फास्ट नहीं करना है, ये तो शक्कर का कलर चेंज हो जाएगा, जल जाएगा। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा, देखो कलर भी अच्छा है
और अच्छे से देखिए ये मेल्ट हो गई है। बस थोड़ा सा और करेंगे और फिर बंद कर देंगे चूल्हा। थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल रही हूँ, इसे जल्दी जल्दी चलाते जाएंगे। बस चूल्हा भी मैंने बंद कर दी है। जल्दी जल्दी इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें शक्कर को। देखिए माशाल्लाह से हमारी शाही खीर, रबड़ी खीर, जो नाम देने दे दो, फर्स्ट क्लास बनके तैयार हो गई। चलिए इसी पॉइंट पे मैं इसमें डाल दूंगी इलायची का पाउडर और ये बादाम पिस्ते का पाउडर है, इसको भी मैं इसमें अभी डाल दूंगी। थोड़ा सा गार्निश के लिए रखूंगी, थोड़ा अभी ऐड कर दूंगी। ये तो रबड़ी कुल्फी लग रही है मम्मी। हाँ माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी होती है। चलिए अब इसको ठंडा करने का है, इसको मैं अभी रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने रखूंगी, इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद इसको सर्व करेंगे। तब तक मैं अभी इसको गार्निश तो कर देती हूँ, थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर लेती हूँ। बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें मिक्स तो कर दी हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा अपीलिंग लगने, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए गार्निश कर रही हूँ। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और किशमिश है जो मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं किशमिश, मैं वो भी डाल रही हूँ। और ड्राई फ्रूट्स तो आप लोगों की मर्ज़ी, जैसे आपकी चॉइस हो वैसा आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप लोग प्लीज़ ये एक बार ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी ये वाली खीर। इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये लग कैसी रही है। वैसे मैंने इसको अभी रूम टेम्परेचर पे तो ठंडा कर दी हूँ, मैं इसको फ्रिज में अभी नहीं डाली हूँ, अभी डालूंगी, पहला मैं टेस्ट कर लेती हूँ। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा मेरे चैनल को, लेट्स कुक विद सुमैया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।